बलरामपुर जिला के सामरी बाजार में भाजपा के मोर आवास मोर अधिकार के तहत कार्यक्रम हुआ संपन्न। चांदो जिला पंचायत सदस्य अंकुश सिंह ने सामरी बाजार में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए भाजपा कहा कि कांग्रेस सरकार की उदासीनता की वजह से बलरामपुर जिले के गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने से वंचित हो गए, जिसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्षेत्र में जितने भी बड़े कार्य हो रहे, चाहे सड़क हो या अस्पताल, सब भाजपा शासन काल के समय ही की स्वीकृत हुए कार्य है, जिसको कांग्रेस के नेता अपनी उपलब्धि बताते हुए विकास का ढिंढोरा पीट रही है। कांग्रेस सरकार की झूठी वादा बिजली बिल हाफ जैसे महत्वपूर्ण वादे पूरे नहीं हुए, बल्कि बिजली बिल उपभोक्ताओं को अनाप शनाप बिल थमाया जा रहा है। प्रदेश की जनता कांग्रेस की झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जिला पंचायत सदस्य अंकुर सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि सभी कच्चे मकान पक्के मकान में बदल जाए और आवास को सिर ढकने आवास मिल जाए। हम सभी उनके सपनों को पूरा करना है, जिसको लेकर मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत गांव-गांव जाकर उनका अधिकार दिलाने के लिए एक एक भाजपा कार्यकर्ता गरीबों की आवाज बनकर पूरे प्रदेश में इस अभियान के तहत आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करेगी। बलरामपुर से रोहित कुमार यादव की रिपोर्ट।